मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, हम बिल्कुल खैरियत से और वापस आए यूट्यूब पर एक मज़ेदार सा डेली रूटीन रमज़ान का ब्लॉग लेकर। जैसा कि आपको पता चला है कि आज रात 10 बजे 10:30 बजे तक इन लोगों ने चांद दिखा दिया था, तो मेरी और असाम की तरफ से आप लोगों को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी बज रहे हैं 4:15 तकरीबन और इस वक्त हम करेंगे सहरी और आपको सब दिखाएंगे सहरी में क्या खाएंगे। तो हमने रात में कुछ खा लिया था, हमें पता नहीं था कि अब चांद दिख जाएगा, तो सहरी में हम हल्की फुल्की दाल करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे, बस पानी पियेंगे और फिर आपको पूरे दिन का दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। तो चलिए अभी सहरी में देख लें, हम सहरी में क्या खा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभी सहरी हो चुकी है और तकरीबन टाइम हो रहा है 4:45 और अभी थोड़ी देर में फजर की अजान होगी तो हम लोग नमाज पढ़ के सो जाएंगे। तो गाइस बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो असान को भी और हम मुझे भी, और हम लोगों ने सहरी कर ली है, बस अब फजर की अजान होगी, सायरन बजेगा और फिर हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर लेट जाएंगे और फिर आपको सुबह उठ के दिखाएंगे जोहर की नमाज़ में, फिर आपसे मिलते हैं। तो तब तक के लिए वेलकम बैक। और सुबह सुबह कुछ ही बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है, बारिश भी शुरू हो गई है और सुबह सुबह बहुत ब्रेट मौसम हो रहा है, हल्की नहीं आसान हो गया इसका इसका तो बस बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है। अभी मैं आपको दूसरे वाले कैमरे में से दिखाता हूँ और अभी तो उठे हैं, अभी तो शायद 12:10 हैं शायद, और घर में भी टाइम है तकरीबन 2 घंटे नहीं 1:30 बजे जाती है, 1:30 बजे हो जाती है तो थोड़ा ही टाइम है, ऐसे ही निकल जाएगा वो भी इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कैसा ही हो रहा है। बारिश हो गई थी तो लाइट चली गई थी तो सही से अजान की आवाज़ नहीं, मैंने सोचा था कि आपको आवाज़ सुना के नमाज़ पढ़ने हम लोग जाएंगे मतलब पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने मुश्किल से 5 मिनट पहले नमाज़ पढ़ी और फिर हमने कहा कि आपको भी बता दें, और अभी हम जाएंगे कुरान पढ़ने क्योंकि अब हम रोज़ एक एक पारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह और पूरे रमज़ान 30 पारे मुकम्मल, एक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर 29 रोज़ होंगे तो एक दिन डबल दो से पारे पढ़ लेंगे। तो अभी तक हमारा यही रूटीन चल रहा है और शाम में हमें इफ्तारी के लिए जाना भी है। तो मिलते हैं आपसे असर की नमाज में, नहीं असर की नमाज में नहीं, जब हम कुरान कुरान पढ़े होंगे तब भी आपको दिखाएंगे। पढ़ी है और गाइस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गया था फ्रेश होने, और असर की नमाज़ से पहले जो है वो असान फ्रेश हो गया था और मैं गया हुआ था बाबा के साथ थोड़ा काम करवाने। तो गाइस यही है, अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, तकरीबन 6:00 बज रहे हैं और 6:45 आई थिंक रोज़ा है आज, ये लिखा हुआ 6:46 पे है रोज़ा इफ्तार होगी सॉरी। और अभी हम जा रहे हैं, बस निकलेंगे 5-10 मिनट में हम बस निकल रहे हैं जहाँ पे हमें इफ्तार करने जाना है, तो वहाँ का भी सब सीन दिखाएंगे, इफ्तार का भी दिखाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ ही रहे। और असान रोज़ा कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है आज। सब देखते हैं क्या होता है आगे चलते। अभी हम बस निकल रहे हैं जहाँ पे हमें इफ्तार करने जाना है, तो चलते हैं। रमज़ान व्लॉग का जो असान का पहला रोज़ा था उसका व्लॉग होता है यहीं पर एंड। तो गाइस उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो
तो गाइस मैं अभी आज जो है वो जुम्मे के दिन आ गया है, डे टू हो गया। कल मैं जो हूँ ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, आने के बाद मैं सीधा हम दोनों मैं बहुत थक गया था और ये भी बहुत थक गया था क्योंकि जल्दी हम दोनों सोच रहे थे एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो आज जुम्मे का दिन है और माशाल्लाह से हमारा जुम्मे के दिन भी रोज़ा है। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।